नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जनवरी को रिलीज हुई ABCD फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के 21 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। इस फिल्म की लीडिंग स्टार कास्ट में हमें दिखाई दिए थे वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, नौरा फतेही और प्रभुदेवा। इस फिल्म का निर्देशन किया था रेमो डिसूजा ने, वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और लिजेल डिसूजा ने टी सीरीज और रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले। इस फिल्म का बजट था लगभग 70 करोड़ रुपए, जिसमें फिल्म के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर खर्च हुए थे 55 करोड़, वहीं फिल्म के प्रिंट और प्रमोशन पर खर्च किए गए थे 15 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने रिलीज होने से पहले 50 करोड़ रुपए की कमाई अपने सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स और म्यूजिक राइट्स बेचकर कर ली थी। इस फिल्म को भारत में लगभग 3,700 स्क्रीन मिली थी, वहीं ओवरसीज में फिल्म को 670 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया गया था। बात करें फिल्म के 21 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफ़ी अच्छी ओपनिंग ली थी और फिल्म के कलेक्शन फर्स्ट डे के रहे थे 10 करोड़ 26 लाख रुपए। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने कमाई की थी 13 करोड़ 10 लाख रुपए। तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन रहे थे 17 करोड़ 76 लाख, जिसे मिलाकर फिल्म का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन हो गया था 41 करोड़ 3 लाख रुपए। वहीं फिल्म ने अपने शुरुआती पहले हफ्ते में कमाई की थी 56 करोड़ 77 लाख रुपए। दूसरे हफ्ते फिल्म ने कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 59 लाख। वहीं बात करें फिल्म के तीसरे हफ्ते की, तो फिल्म ने अपने 15वें दिन कमाई की थी 80 लाख रुपए। वहीं 16वें दिन फिल्म के कलेक्शन रहते 90 लाख। 17वें दिन यानी कि तीसरे रविवार को फिल्म को छुट्टी का फायदा मिला और फिल्म ने कमाई की थी 1 करोड़ 30 लाख रुपए। वहीं 18वें दिन यानी कि तीसरे सोमवार फिल्म के कलेक्शन एक बार फिर डाउन हुए और फिल्म ने कमाई की थी 1 करोड़ 5 लाख रुपए। 19वें दिन फिल्म ने कमाई की 70 लाख और 20वें दिन फिल्म के कलेक्शन रहे थे 50 लाख रुपए। अब बात करें फिल्म के 21वें दिन यानी कि फिल्म के तीसरे गुरुवार की, तो फिल्म की आज की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी लगभग 5 से 7%, जो कि इवनिंग और नाइट शोज में 12 से 15% की देखी जा रही है। फिल्म अपने 21वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है लगभग 20 लाख रुपए, जिसे मिलाकर इस फिल्म का टोटल इंडिया नाइट कलेक्शन 21 दिनों का हो जाता है 76 करोड़ 80 लाख। वहीं फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 91 करोड़ रुपए। ओवरसीज से फिल्म ने कमाई की है 21 दिनों में लगभग 14 करोड़ रुपए, जिसे मिलाकर फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 105 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आपने ये फिल्म देखी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप भी वरुण धवन, श्रद्धा कपूर या फिर नौरा फतेही, प्रभु देवा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको देते हैं सारी मूवीज़ की डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट।